कि मुझे अच्छा भी लग रहा है और नहीं भी लग रहा है। क्यों? क्योंकि अच्छा इसलिए लग रहा है कि मैं उसे ले आया हूँ। सो हे गाइस, व्हाट्स अप एवरीबॉडी। सो टुडे इज थर्सडे एंड आज 22 ऑफ अप्रैल है। एंड आज मतलब मैं बहुत एक सरप्राइज ब्लॉग होने वाला है और बहुत अच्छा ब्लॉग होने वाला है। सो आप एंड तक देखना है ये ब्लॉग एंड आई होप आप इंजॉय करोगे। और आज का मौसम भी बाहर का बहुत अच्छा है, तो टाइम लैप्स देखना है इसके बाद, जो कि बहुत शानदार होने वाला है। लगा अच्छा लगा ना, अच्छा ही लगा होगा। एंड अभी इसके बाद हम लोग जाने वाले हैं हमारे एक न्यू फैमिली मेंबर को लेने के लिए। वो सरप्राइज रहेगा, थोड़ा आपको अभी बताऊंगा नहीं कि क्या लेने जा रहे हैं हम। आप गैस कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके नीचे कमेंट कर सकते हो कि क्या होगा। सो गाइस, अभी फिलहाल अपनी फिर से धन्नो जाएगी अपने साथ। आज धुल चुकी है, बाय ने धोई है, मजा आया। एंड इसके जाएंगे अभी टिका के। बाय द वे यार, कोविड लगा हुआ है, बहुत रिस्ट्रिक्शंस है बाहर। हम मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। तब भी मैं जा रहा हूँ, देखता हूँ, कुछ होना नहीं चाहिए। दुआ करना अभी मेरे लिए। चुप, बिल्कुल चुप। अरे यार बहुत शॉर्ट चल रहा है, मास्क अभी पहन लेता हूँ बस बाहर निकल गया। मास्क है, अभी हेलमेट ला रहा है भाई, हेलमेट पहनूंगा, मास्क भी पहन लूंगा उसके अंदर कि मेरे को रोके ना। लाइसेंस वगैरह सब आपके पास, हमारे पास। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। तो अभी निकलते हैं और आपको मिलूंगा जहाँ हम लेने जा रहे हैं हमारा फैमिली मेंबर। सो गाइज, अभी फिलहाल हम आधे रास्ते पहुंच चुके हैं एंड यहाँ से हमको अभी 5 to 6 किलोमीटर और है जाने के लिए। फिर मतलब जा से आता अभी हम ओके। एंड इसके बाद हमारे फ्रेंड का फ्रेंड आएगा, देन उसके बाद उधर जाएंगे और अपना आगे का काम करेंगे। और आपको मैं घर जाके दिखाऊंगा। पर मैं आ चुका हूँ वो जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। मैं आ चुका हूँ जो हमारा काम था वो सब करके पूरा गाइस। एंड इसके बाद अभी हम भोजन करेंगे क्योंकि हमने सुबह से भोजन किया नहीं है, क्योंकि हम सुबह से बाहर गए हुए थे। तो फिलहाल गाइस अभी मेरा खाना पीना सब हो चुका है एंड जो सरप्राइज था, तो अब आप इस ट्रांजिशन के बाद देखो। चलो जल्दी से फटाफट। ब्रीड जो मैंने खरीदी है, ये डॉग खरीदा है, ये डॉग था सरप्राइज। एंड डॉग का ब्रीड है डेल्मेशियन। एंड डेल्मेशियन गाइस इंडिया में बहुत कम रेयरली पाए जाते हैं, नासिक में तो 6 से 7 जनों के पास ही है डेल्मेशियन, उनमें से एक हम हो गए अब। तो वो अभी फिलहाल सो रही है एंड जैसे ही वो उठती है मैं आपको उसका शूट दिखाऊंगा। उसका अभी नामकरण भी करना है, तो आप बता सकते हैं क्या नामकरण करें, कमेंट सेक्शन में बता दी। सो गाइस, बाय द वे अभी सीन ऐसा है ना कि मुझे अच्छा भी लग रहा है और नहीं भी लग रहा है। क्यों? क्योंकि अच्छा इसलिए लग रहा है कि मैं उसे ले आया हूँ, और बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं उसकी माँ से बिछड़ गई यार बेचारी, बहुत बुरा लग रहा है। सो पर कोई बात नहीं, मैंने मेरे फ्रेंड्स को कॉल किया, बहुत सारे फ्रेंड्स से मतलब पूछा भी कि कैसे डॉग्स को संभालते हैं, क्योंकि मेरा पहला डॉग है, हमने पहली बार ही डॉग लिया घर पर। मम्मी से बहुत परमिशन लेनी पड़ी, मम्मी को बहुत समझाना पड़ा बाय द वे। एंड मम्मी को बताया कि बाहर का ब्रीड है ये वो, बहुत कुछ बताया, तब मम्मी मानी है जाके।
उसके बाद ही मिला है। सो मैंने अपने दोस्तों से बहुत रिकमेंड किया कि भाई कि क्या करूँ, क्या खिलाऊँ, ये वो। अभी तो बेचारी सो रही है, देखा ना, अभी मॉम भी खुश है। पहले मॉम बोल रही थी मैं ही संभालूंगी ये वगैरह वगैरह, पर आने के बाद अलग ही खुशी होती है, कोई बात नहीं। सो गाइस, ये ब्लॉग यहीं पे अभी एंड करते। सिंपल एंड सोबर ब्लॉग था गाइस, छोटा सा ब्लॉग था। सो अगर आपको ये ब्लॉग किसी भी रीजन से पसंद आया होगा तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, नए हो सब्सक्राइब करो, और गाइस सबको शेयर करते हैं, सबको शेयर कर दो, और अंकल की बात सुन के जाना। टेक केयर, पीस आउट, पीस आउट, बाय 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 बाय। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, ऐसा नहीं चलेगा। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए।